अब रेडियो वेव्स की बात करें, बहुत फेमिलियर है ये रेडियो वेव्स। हम जानते हैं रेडियो वेव्स क्या होती है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी ही है। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन, जिसमें क्या होता है कि कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, मिली है। आप यहाँ पर डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर एक रेडियो सिग्नल अलग अलग फ्रिक्वेंसी यूज करती है और ये किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और आगे भी जाती हैं। और इससे हमको अलग अलग पता चलता है कि जैसे मोबाइल है, अगर आप बोलेंगे कि मेरी 1800 मेगा हर्ट्ज पे काम कर रहा है या फिर इसकी 1900 मेगा हर्ट्ज है या किलो हर्ट्ज है, इस तरीके से एक फ्रिक्वेंसी इसकी होती है। जो ट्रांसमीटर होता है ये मैसेज देगा, इनकोड करेगा इसको और ट्रांसमिट कर देगा इसको रेडियो वेव बना के या उसमें चढ़ा के। तो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, रेडियो वेव को लेगा, डिकोड करेगा। जो ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ये दोनों ही एंटेना यूज करेंगे ताकि रेडिएशन हो सके और कैप्चरिंग हो सके रेडियो सिग्नल की। मतलब यहाँ आपका एक एंटेना होगा, यहाँ एक एंटेना होगा, यहाँ से भेजेंगे रेडियो वेव्स, यहाँ से आपने इनकोड किया, यहाँ ये डिकोड होगा। तो रेडियो ट्रांसमिशन ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए, पुलिसमैन है, अपने वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है, सारे इसी पे बात कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, अगर डिफिकल्ट टेरेन है तो आपको ना तो खुदाई करने की जरूरत है ना केबल डालने की जरूरत है, आराम से कम्युनिकेशन हो जाएगा। बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे जाती है ये और कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको ये कूद के फांद के इंडोर आउटडोर निकल जाएंगे। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर वेदर कंडीशन जैसे रेन हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा इस पर अफेक्ट पड़ता है। और वैसे तो सिक्योर है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि सिक्योर है, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा इनसिक्योर है अगर आपने उसकी प्रॉपर जो इंक्रिप्शन वगैरह नहीं कर रखा है। तो